हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 40,000 के बजट में आने वाले टॉप 3 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोनों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र है दोस्तों और आप देख रहे हैं ज्ञान ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों ओप्पो रेनो 7 प्रो 5G के बारे में। डालते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ मिल जाता है दोस्तों, कैसे स्पेसिफिकेशन आपको इस डिवाइस में मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, डिस्प्ले इसमें मिल जाता है 6.5 इंच का दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है और साथ ही दोस्तों डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की भी प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है। और रैम की अगर दोस्तों बात करी जाए तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों 12GB रैम LPDDR4X टाइप आपको देखने को मिलेगा। और स्टोरेज की अगर बात करी जाए दोस्तों इसमें 256GB स्टोरेज मिल जाता है। और स्टोरेज टाइप की अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे UFS 3.1 का आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स अगर कैमरा सेटअप की बात करी जाए दोस्तों इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है दोस्तों, जिसमें मेन कैमरा है 50MP अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 8MP और 2MP का आपको माइक्रोशॉट कैमरा देखने को मिलेगा। इस दोस्तों रियर कैमरे से दोस्तों आप 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं दोस्तों 30fps के ऊपर, जो एक अच्छी बात है। अगर दोस्तों यहाँ पे सेल्फी की बात करी जाए तो यहाँ पे 32MP का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करी जाए इस डिवाइस की कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों इसका कैमरा परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। जिस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों है इसके हिसाब से दोस्तों बहुत ही अच्छा इसका कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पे बैटरी की बात करी जाए तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों 4500mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इसको कवर अप करने के लिए दोस्तों 65W का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। फ्रेंड्स अगर दोस्तों यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करी जाए तो इस डिवाइस का दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जिसकी स्पीड दोस्तों को आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करें डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में दोस्तों, इस डिवाइस के दोस्तों आप अच्छी गेमिंग कर सकते हैं या मल्टीमीडिया टास्किंग भी आप इजीली कर पाओगे दोस्तों। अगर प्राइस की बात करें दोस्तों ये 38,999 रुपये में स्मार्टफोन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में स्मार्टफोन मिलने वाला है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, जो है दोस्तों OnePlus 9 RT। ओके फ्रेंड्स, तो अगर बात करी जाए दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको 6.6 इंच का दोस्तों सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें आपको 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स तो 1300 nits की पीक ब्राइटनेस की वजह से दोस्तों इस स्मार्टफोन में आउटडोर में भी आपको कोई भी जात की दिक्कत नहीं आने वाली है। फ्रेंड्स अगर दोस्तों यहाँ रैम की बात करी जाए तो इस डिवाइस के अंदर दोस्तों 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज मिलता है। और साथ ही दोस्तों स्टोरेज टाइप की अगर बात करी जाए तो UFS 2.1 का यहाँ पे आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मोस्ट पावरफुल दोस्तों से Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों बेस है 5nm टेक्नोलॉजी के ऊपर। दोस्तों काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, इसकी वजह से दोस्तों आपका बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स और दोस्तों इस प्रोसेसर के साथ आप अच्छी से ऐसे गेमिंग भी कर पाएंगे और साथ ही दोस्तों हैवी से हैवी टास्क भी इसमें आप कर पाओगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कैमरा सेटअप के बारे में, तो इस डिवाइस में दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, जिसमें मेन कैमरा है 50MP अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 16MP और 2MP का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स अगर सेल्फी की बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है कि यहाँ पे सेल्फी आपको केवल 16MP की मिलती है। जिस प्राइस रेंज के अंदर दोस्तों स्मार्टफोन आता है तो यहाँ कम से कम दोस्तों आपको 32MP तो होना ही चाहिए था। क्या आप सोचते हैं दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर बैटरी की बात करी जाए तो यहाँ पे बैटरी भी दोस्तों अब 4500mAh की मिलती है। इसको कवर अप करने के लिए दोस्तों 65W का यहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। और दोस्तों अगर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट की बात करें तो दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, जिसकी स्पीड भी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों अगर प्राइस की बात करी जाए तो दोस्तों इस डिवाइस का प्राइस दोस्तों 42,999 रुपये है। अगर दोस्तों इसमें आपको ऑफर्स और सेल्स का वेट करते हैं तो आपको 40,000 के अंदर स्मार्टफोन पड़ने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे नंबर के डिवाइस की तरफ, जो है दोस्तों Samsung X60। ओके फ्रेंड्स, डालते हैं नज़र इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर। इस डिवाइस के अंदर दोस्तों आपको 6.5 इंच के दोस्तों एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, साथ ही 120Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको मिल जाता है। और रैम की अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे 8GB रैम 128GB स्टोरेज देखने को मिलता है। और स्टोरेज टाइप की अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे UFS 3.1 का आपको स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पे प्रोसेसर की बात करी जाए तो ये दोस्तों 870 यहाँ पे आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो दोस्तों काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मान सकते हैं। अगर बैटरी की अगर बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे 4300mAh की बैटरी मिल जाती है। साथ ही दोस्तों इसमें आपको 3300 का आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। दोस्तों अगर कैमरा सेटअप की बात करी जाए दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा दोस्तों 48MP अल्ट्रा वाइड है दोस्तों 13MP और डेप्थ सेंसर भी आपको यहाँ पे 13MP का मिल जाता है। फ्रेंड्स और साथ ही दोस्तों इसमें आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों 60fps के ऊपर।
और साथ ही दोस्तों एक बात बता दूं दोस्तों, यहाँ पे गिम्बललेस जीजीएस कैमरा आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों स्टडी में भी आपको आपको वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम स्मूथ आने वाला है फ्रेंड्स। और बात करी जाए दोस्तों इसके सेल्फी कैमरे के बारे में, यहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों अगर बात करी जाए इसकी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन कैमरा परफॉर्मेंस में दोस्तों 5-स्टार रेटिंग में मैं दे सकता हूँ दोस्तों इसको, क्योंकि दोस्तों इसका कैमरा बहुत ही अच्छा दिया गया है, फ्रंट हो या बैक हो दोनों में ही दोस्तों। अगर दोस्तों बात करी जाए इसके प्राइस के बारे में, तो दोस्तों 35,999 रुपये में स्मार्टफोन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मार्केट में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आप थोड़ा प्राइस इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं एक रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप वीवो V23 Pro को एक बार जरूर से चेकआउट करके कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों आपके मन में स्मार्टफोन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। तो आए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।